तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के 6 बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में, जो कि आप लोग को नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन 6 वेब सीरीज के बारे में। तो हमारा नंबर 6 सीरीज का नाम है 1899। ये सीरीज मिस्ट्री साइंस फिक्शन पे बेस्ड है और इस सीरीज में आप लोग को टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेगा और इस सीरीज को 2022 में रिलीज किया गया था। तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलता है एक शिप जो कि कुछ पैसेंजर के साथ रवाना होता है अमेरिका के लिए। उसके बाद उस शिप के कैप्टन को उस सफर के दौरान एक अननोन शिप का सिग्नल मिलता है जो कि 4 महीने पहले गायब हो गया था। फिर उस अननोन शिप में जाने के बाद सबको पता चलता है कि उस शिप में सबके सब गायब हो चुका है एक छोटे बच्चे के अलावा। तो सीरीज का मिस्ट्री क्या है आप लोग को सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। तो ये सीरीज आप लोग को नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस सीरीज को IMDb रेटिंग दिया है 7.4/10। तो हमारा नंबर 5 सीरीज का नाम है द सैंडमैन। ये सीरीज फैंटेसी ड्रामा पे बेस्ड है और इस सीरीज में आप लोग को टोटल 11 एपिसोड देखने को मिलेगा और दोस्तों इस सीरीज को 2022 में रिलीज किया गया था। तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलता है एक आदमी तंत्र मंत्र के दौरान गलती से सैंडमैन को फंसा लेता है। फिर वो आदमी इसको ठीक नहीं कर पाता, इसके वजह से सैंडमैन उसकी कैद में 106 साल रहता है। फिर सैंडमैन वहां से निकलने के बाद वो अपनी किंगडम में जाता है और वहां देखता है कि उसकी किंगडम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो सैंडमैन अपनी किंगडम को ठीक करने के लिए क्या कुछ करता है, ये सब आप लोग को सैंडमैन देखने के बाद पता चलेगा। तो ये सीरीज आप लोग को नेटफ्लिक्स में हिंदी में आराम से मिल जाएगा। तो इस सीरीज को IMDb ने रेटिंग दिया है 7.7/10। तो हमारा नंबर 4 सीरीज का नाम है द अम्ब्रेला एकेडमी। ये सीरीज एक्शन एडवेंचर कॉमेडी पे बेस्ड है और इस सीरीज में आप लोग को टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलेगा। इस सीरीज को 2019 में रिलीज किया गया था। तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलता है कि 7 बच्चे जो कि सुपर हीरो है, इन 7 बच्चों को एक आदमी ने अडॉप्ट किया था और इनको अम्ब्रेला एकेडमी में दुनिया को बचाने के लिए ट्रेनिंग दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद इन 7 बच्चों का उस आदमी से रिलेशनशिप खराब होने की वजह से सब बच्चे एकेडमी छोड़ देता है। इस सीरीज में आप लोग को देखने को मिलता है कि कैसे वो 7 बच्चे फिर एक साथ होके अपना काम बाखूबी निभाता है। ये सीरीज आप लोग को नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा और इस सीरीज को IMDb ने रेटिंग दिया है 7.9/10। तो हमारा नंबर 3 सीरीज का नाम है द विचर। ये सीरीज एक्शन एडवेंचर ड्रामा पे बेस्ड है और इस सीरीज में आप लोग को टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेगा और इस सीरीज को 2019 में रिलीज किया गया था। तो कहानी में देखने को मिलता है कि एक गैरेंट नाम का विचर जो कि अपनी एबिलिटीज और पावर से बहुत खतरनाक मॉन्स्टर का शिकार करता है। लेकिन गैरेंट का लाइफ तब बदल जाता है जब श्री नाम का कैरेक्टर को गैरेंट को हिफाजत करने का काम मिलता है, क्योंकि श्री के पास है कुछ खास पावर्स और आगे क्या कुछ होता है आप लोग को सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। ये सीरीज आप लोग को नेटफ्लिक्स में हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा और इस सीरीज का IMDb रेटिंग है 8.1/10। तो हमारा नंबर 2 सीरीज का नाम है लूसीफर। ये सीरीज फैंटेसी मिस्ट्री पे बेस्ड है और इस सीरीज में आप लोग को टोटल 13 एपिसोड देखने को मिलेगा। ये सीरीज का सीजन 1 है और आप लोग को इस सीरीज का सीजन 6 तक देखने को मिलेगा और इस सीरीज को 2016 में रिलीज किया गया था। तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलता है किंग्स ऑफ डिविल लूसीफर जो कि हेल छोड़ के हमारी दुनिया रहने आ जाता है और हम इंसानों के बीच रहने लगता है। और कहानी में लूसीफर से पुलिस डिटेक्टिव क्लोई नाम के कैरेक्टर से मुलाकात होता है और लूसीफर क्लोई के साथ क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने लग जाता है और आगे जो कुछ भी होता है आप लोग को सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। और इस सीरीज को IMDb रेटिंग मिला है 8.1/10। तो हमारा नंबर 1 सीरीज का नाम है वेडनेसडे। ये सीरीज कॉमेडी हॉरर पे बेस्ड है और इस सीरीज में आप लोगों को टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेगा और इस सीरीज को 2022 में रिलीज किया गया था। तो कहानी में देखने को मिलता है वेडनेसडे एडम जो कि नेवर मोर एकेडमी में पढ़ने आती है। फिर वेडनेसडे को नेवर मोर एकेडमी के कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है जब वेडनेसडे एकेडमी के एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है और फिर क्या कुछ होता है ये सब आप लोग को सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। ये सीरीज आप लोग को नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा। इस सीरीज का IMDb रेटिंग है 8.2/10। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं, अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।